हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त मोहम्मद दानिश, जो कि क्रिप्टो कानून के लीगल एडवाइजर हैं। तो इनसे सीधा हम सवाल पूछते हैं। तो मोहम्मद दानिश, वेलकम आपका आज क्रिप्टो कानून के साथ। थैंक यू सर। तो आज एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ क्या? आज कोर्ट, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट चल रहे थे एक केस में, इस वजह से कोर्ट ने कल के लिए आज की पूरी कॉज लिस्ट को कल के लिए एडजर्न कर दिया है, और अब जो आज मैटर लगे थे वो कल सुने जाएंगे। आज मेरी हमारी ये कम्युनिटी जानना चाहती है, मैटर एडजर्न क्यों होते हैं, क्या वजहें होती हैं मैटर एडजर्न होने की? उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक ये भी वजह होती है कि अगर आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट को ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट ज़्यादा लंबे चलेंगे एक केस के, तो बाकी जो मैटर्स होते हैं कॉज लिस्ट पे, ताकि उनको इंतज़ार ना करना पड़े, उनको परेशानी ना हो, इस वजह से कोर्ट एक वक्त निर्धारित कर देती है कि आप उस वक्त में आ जाएं। अगर ये आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो गए तो वो सुन लेती है, नहीं तो फिर वो उसको एडजर्न कर देती है। एग्जैक्टली यही आज हुआ है। हम ये जानते हैं कि पहले जो ये जो जितनी भी पिटीशंस थी, ये CJI के बेंच पे लगी हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको सुन रहे थे, अब अचानक ये ट्रांसफ़र हो गई हैं किसी और बेंच पे, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी कन्फर्म्ड वजह तो हमको नहीं पता है, लेकिन एक ऑफिस रिपोर्ट आई थी आज की तारीख से पहले। रजिस्ट्री एक ऑफिस रिपोर्ट बनाती है, और उस केस में क्या क्या होना है वो उसमें सब रिकॉर्ड करती है। तो उस ऑफिस रिपोर्ट में ये चीज़ भी रिकॉर्ड की गई है कि 7 पिटिशनर्स हैं, उनमें से सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया, रिप्लाई फाइल किया है, बाकी जितने रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन लोगों ने नहीं किया है। हालांकि ये पिछले वाले ऑर्डर में ये कोर्ट की स्पेसिफिक डायरेक्शन थी कि आप अगली तारीख से पहले पहले जो काउंटर एफिडेविट्स आपको फाइल करने हैं वो कर दीजिए, प्लीडिंग्स पूरी कर लीजिए, लेकिन चूँकि ये नहीं हो पाया, हो सकता है कि ये वजह हो कि ये केस चीफ जस्टिस कोर्ट में ना लग के जस्टिस रोहिंटन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कोर्ट में लगा। आपको कोई प्रोग्रेस दिख रही है इस केस में? क्योंकि हम देख रहे हैं तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वहीं का वहीं है वो केस। तो कुछ आपको लग रहा है कुछ इसमें कोई किसी डायरेक्शन में जाते हुए प्रोग्रेस? पिछली तारीख में जैसे कि कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल के लिए आज लिखा, आज के लिए केस रखा, तो पिछली बार हम कह सकते थे कि ये प्रोग्रेस है। आज चूंकि कल के लिए कोर्ट डेफर हुआ है, बहुत लंबी तारीख नहीं दी गई है इसके अंदर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और हो सकता है कि कल कंक्लूड कर दिया जाए इसके आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद इसको इसमें वर्डिक्ट आ जाए। तो प्रोग्रेस, मैं ये कहूँगा कि हाँ, प्रोग्रेस दिख रही है, क्योंकि कोर्ट में कहीं ना कहीं तारीखें जल्दी आ रही हैं। पिछली वाली तारीख को अगर हम देखें तो उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कल के लिए जो तारीख पड़ी है तो एक पॉजिटिव साइन है। कुछ सुनने में आया है कि कुछ नई इंटरवेंशंस भी फाइल हुई हैं, क्या इस पर कुछ कहना आपको? जी, 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं। एक फाइल हुई है मिस्टर सत्यम तिवारी की तरफ से, इन्होंने पहले एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। उस रिट पिटीशन, क्योंकि वो रिट पिटीशन जो थी, वो एक और रिट पिटीशन है जो कि 4 एक्सचेंजेस की तरफ से फाइल हुई है, वो उसके सिमिलर थी, तो कोर्ट ने ये व्यू लिया कि पहले से ही एक सिमिलर पिटीशन फाइल्ड है, तो आप अलग से एक रिट पिटीशन ना डालकर आप इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दो, और उनको ये लिबर्टी दे दी गई थी, जिसको उन्होंने अवेल करते हुए 2-3 दिन पहले शायद एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली। एक और पिटीशन, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुई है, और वो की है एक दिनकर करके, उनका नाम है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, वो एक लॉयर हैं, और उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है अभी इसमें रिसेंटली। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 पिटीशंस यहाँ पे ऐसी हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाए, तो जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं, तो क्या कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर? कोई रेगुलेशन उनके ऊपर है कि नहीं अभी? कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन हम ये कह सकते हैं कि नहीं है अभी, जिसके लिए कमिटीज़ का गठन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसी को एडजुडिकेट करने के लिए बैठा है। एक पिटीशन बल्कि इसमें से ये कहती है कि क्रिप्टो करेंसीज को या तो रेगुलेट किया जाए या उसको कम्प्लीटली उसको बैन किया जाए, जो कि द्वेपयन भाउमिक करके एक लॉयर हैं, उन्होंने डाल रखी है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक जितने क्रिप्टो करेंसीज बिजनेसेस, एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन बिजनेसेस जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं जनरली एप्लीकेबल जो लॉज हैं वो उन पे उनको गवर्न करते हैं। और एक $1 million क्वेश्चन है जो कम्युनिटी हमारी जानना चाहती है, क्या बिटकॉइन इलीगल है? देखिए, एक बहुत फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है दैट एवरीथिंग व्हिच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इज़ परमिटेड।
तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बिटकॉइन बिल्कुल लीगल है। और इसके अलावा अगर और भी हम मिसालें लें तो 2018 में 2017 में कितनी एक्सचेंजेस को और ट्रेडर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिसेज इशू किए, बल्कि सीबीडीटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक, डायरेक्टर हैं या कोई ऑफिशियल हैं मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट पे इनकम टैक्स नहीं पे करेगा तो उसके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन लेंगे। तो अगर बिटकॉइन लीगल होता तो उस पर आईटी डिपार्टमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकता था? तो हाँ, बिल्कुल लीगल है। और अभी बात लीगैलिटी और इलीगैलिटी की नहीं है, बात है उसको गवर्न करने की, उसको रेगुलेट करने की। दानिश जी, एक चीज़ और, आप कई क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी लिटिगेशंस के ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं, तो क्या ग्राउंड पे दिक्कतें महसूस करते हैं आप जब ऐसे केसेस लड़ते हैं? तो देखिए, अभी तक जो मैंने प्रॉब्लम्स या जो रेजिस्टेंस अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं क्रिमिनल केसेस में बिटकॉइन फ्रॉड से रिलेटेड मैं इन्वॉल्व हूँ, और मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो ऑफिशियल्स की फर्स्ट हायरार्की है, जहाँ पे जैसे कि कोई भी अगर अग्रीव्ड होता है बिटकॉइन फ्रॉड से रिलेटेड, तो वो ये चाहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, उसको मैं रिपोर्ट करूँ, वहाँ पे FIR हो, वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मिस इन्फॉर्मेशन की है। ज़्यादातर लोगों को जो कि बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इन्फॉर्म्ड नहीं है, जो कि फॉलो नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा सब कुछ जो है वो बैन है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो लीगल है ही नहीं। तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंप्लेंट करने जाते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और वहाँ पे आपको ये सुनने में मिलता है कि भाई बिटकॉइन तो लीगल ही नहीं है। और जब कोई चीज़ लीगल नहीं है तो जब कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो आप उसको एनफोर्स कैसे करा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को? तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे जैसे यू विल क्लाइम द लेडर ऑफ हायरार्की इन ऑफिशियल्स, ये आप देखेंगे कि वहाँ ये मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, और वो लोग आपकी बात को समझते हैं। और एक हमारे जो कम्युनिटी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कल तक ये बढ़ी रहेंगी, इसको शांत करने के लिए थोड़ा सा एक बताइए कि आखिर कल होगा क्या? कल जैसा कि आज हम देखें कि आज की पूरी कॉजलेस, जितना भी रिमेनिंग पार्ट है कॉजलेस का, वो कल के लिए डेफर कर दिया गया है। कल जहाँ से आज ख़त्म हुआ है वहीं से कॉजलेस को शुरू किया जाएगा। कल भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट सुने जाने हैं और कोर्ट सुन सकती है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा कल, लेकिन चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि कल कोई वर्डिक्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि कोर्ट आर्ग्यूमेंट सुने, हो सकता है पार्ट आर्ग्यूमेंट सुने और पार्ट आर्ग्यूमेंट्स को के लिए एडजर्न कर दे मैटर। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वर्डिक्ट कल नहीं आएगा और कोर्ट आगे केस को एडजर्न किया जाएगा सुनवाई के लिए। दूसरी बात ये भी है कि पहले सुनवाई चीफ जस्टिस कोर्ट में चल रही थी, और अब इस केस को जस्टिस नरिमन की कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो चूँकि उनके सामने ये पहली सुनवाई है और किसी ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है इसकी वजह से भी कोर्ट को आगे एडजर्न करना पड़े। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मोहम्मद दानिश के थ्रू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। और आगे भी क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उनको आप हमारे ट्विटर हैंडल क्रिप्टो कानून पे फॉलो करके देख सकते हैं, और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना मत भूलिएगा।